सबसे पहले तो मुबारक आज की जीत पे, और दो कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडल्स आ गए सबुदीन भाई, आगे की क्या टारगेट है? अब कलर चेंज होना चाहिए मेडल का? थैंक यू सर। हाँ, अभी तो जैसे कॉमनवेल्थ में दो ब्रॉन्ज मेडल आए थे, मैंने सोचा था कि इस बार चेंज होगा कलर, क्योंकि इस बार जैसे कॉमनवेल्थ में मेरी इंजरी भी थी, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया तो मैं उससे खुश था, क्योंकि मेरे ट्रायल से पहले मेरे अंगूठे पे इंजरी हो गई थी, थोड़ा लिगामेंट टूट गया था, उस वजह से भी मैं थोड़ा ट्रेनिंग में एक हाथ से ही कर पा रहा था, तो उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस अच्छा रहा काफ़ी। और अभी आगे जैसे अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है, एशियन गेम्स भी है, तो उसके लिए वही टारगेट है मेरा भी नेक्स्ट। दो बड़े टूर्नामेंट्स इस साल हैं, और दोनों की तैयारियां किस तरीके से अब तक चली हैं पिछले एक साल को देखा जाए अगर, और आने वाले समय में आप क्या तैयारियां करने की प्लानिंग कर रहे हैं? जैसे पिछले साल तो मेरा पूरा कंपटीशन में गया, जैसे उससे फिर कॉमनवेल्थ हो गया, फिर कॉमनवेल्थ होते ही फिर हमें ब्रेक भी नहीं, थोड़े दिन का भी 15 दिन का ही ब्रेक मिला था, फिर उसके बाद दोबारा एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल आ गई, फिर नेशनल गेम्स आ गया, फिर एशियन चैम्पियनशिप आ गई, फिर उसके बाद फिर दोबारा नेशनल आ गई, तो इस तरह अभी कंटिन्यू में चल रही है अभी बॉडी, अभी भी वैसे परफॉर्मेंस भी अभी अच्छा आता जा रहा है। ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार जब टूर्नामेंट खेलते रहते हैं तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, और एक एथलीट को रेस्ट भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जितना उसको एक्शन में बने हुए रहना होता है। जी, रेस्ट भी बॉडी को ज़रूरी है, फिर उस हिसाब से फिर अपने आप को माइंड भी बनाना पड़ता है, कह रहे यार के यहाँ इस कॉम्पिटिशन है, फिर इसके बाद इस कॉम्पिटिशन के कितना गैप होना चाहिए, कितना करना चाहिए, फिर कोच से भी डिस्कस होती है, फिर बाद में उसके बाद फिर उस तरह से प्लानिंग करते हैं। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितनी स्टिफ रहने वाली है एशियन गेम्स में, और जो चैंपियनशिप है उसमें कंपटीशन कितना कड़ा रहने वाला है? अभी कंपटीशन तो बड़ा बहुत टफ रहेगा, क्योंकि अभी क्वालिफाई भी बहुत कम कर दिए, सिर्फ 2 क्वालिफाई कर दिया है, पहले 5 क्वालिफाई थे, पहले एक वेट में 5 होते थे, अभी सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर को क्वालिफाई का मौका दिया है, इसलिए एशियन गेम्स में बड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए, आपके फादर, आपके भाई भी बॉक्सिंग बैकग्राउंड से, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, क्या वहीं से मोटिवेशन मिली थी बॉक्सिंग की? हाँ, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो मेरे भाइयों से ही मोटिवेट हुआ था, मैं उनको देख के ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, फिर फादर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे फैमिली बैकग्राउंड मेरा, मैं अभी यहाँ तक मुझे चल रहा हूँ, मुझे फैमिली बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट करता है, मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, उस वजह से मैं अभी तक यहाँ पे चल रहा हूँ। जैसे फिर उसके बाद मैं आर्मी में आया 2012 में, फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू करते रहा, फिर उसके फिर मेरे भाई भी साथ थे 2014 से मेरे भाई भी साथ में हैं वहाँ पे कोच, तो उन्हीं के साथ भी वो भी सपोर्ट करते रहते हैं। कुछ अपनी शुरुआत की बड़ी जीत के बारे में बताइए, कौन कौन सी आपकी बड़ी जीत थी शुरुआत के स्टेजेस में, जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए खेल सकता हूँ? मैं जैसे यूथ में, मैं 2012 तक मुझे यूथ में कोई इंटरनेशनल में कोई मेडल नहीं था, मैंने फिर सीनियर 2014 में भी खेला था, वहाँ पर मेडल नहीं था, मेरा टर्निंग पॉइंट 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स से हुआ है, जब मैंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और वहाँ मैंने इतनी बहुत अच्छी बोर्ड दी थी, मतलब अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस था, मतलब सोच नहीं सकते थे उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहा वहाँ पर मेरा, तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है वो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स से, उसके बाद से मैं आगे बढ़ते रहा, फिर उसके बाद फिर मैंने 2016 में फिर नेशनल चैम्पियन बना था, फिर उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप वगैरह खेली, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। शुरुआत के दिनों के बारे में बताइए, अपने स्कूल के कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ ऐसी बातें रही हूँ जिनसे आपको लगा हो कि नहीं अब इस स्पोर्ट में मैं आगे कर सकता हूँ, या किसी और स्पोर्ट की तरफ शुरुआत में आपका फोकस था या रुझान था? नहीं, पहले तो मैं जिमनास्ट करता था। अच्छा, हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम रहा, फिर उसके बाद कोच नहीं होने की वजह से कोच का ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से फिर मैंने बॉक्सिंग में टर्न लिया, फिर वहाँ पर फिर वहाँ से स्कूल बॉक्सिंग में आना जिमनास्टिक से, क्योंकि बड़ा अलग तरीके का स्पोर्ट है वो। हाँ, क्योंकि अब बचपन में जब स्पोर्ट्स चेंज करते तो उतना पता नहीं चलता है आपको, क्योंकि अगर एक लेवल पर जाकर चेंज करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे उतना पता नहीं चला कि जिमनास्टिक से बॉक्सिंग में आने में, फिर और वहीं से स्टार्ट किया था, जैसे फिर स्कूल जा, पहले बॉक्सिंग तो उतना पसंद नहीं आता था, क्योंकि स्कूल जाना, फिर ग्राउंड जाना, फिर आना, फिर सुबह फिर उठ कर जाना, पहले बॉक्सिंग, फिर बोलते हम नहीं करेंगे ऐसा, ये बॉक्सिंग ये है कि हमें खेलने भी नहीं मिलता ऐसे वैसे, फिर बाद में जैसे जैसे भाइयों को देखते रहे करते रहे,
फिर स्टेट्स में जैसे कंपटीशन होता था तो वहाँ पर जीत के आते थे, तो वहीं से फिर मोटिवेट होते थे, अरे यार जीत के आने के बाद इतना लोग ये करते हैं, उससे फिर मोटिवेट होकर फिर करते रहे अभी तक। आपका फेवरेट बॉक्सर जिसे आप मोटिवेट होते हैं? मैं लोमा चिकू को देखता था, 2000 जो दो टाइम का ओलंपियन रहा है, उसके जो स्किल्स और जो खेलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है जी, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। और इंजुरी से जुबिन क्या लेसन मिलता है एक एथलीट को, एक बॉक्सर को, क्योंकि एक एथलीट की जिंदगी का हिस्सा होता है इंजुरी, तो हिस्सा होता है, और इंजुरी के टाइम पर अपने आप को संभालना बहुत बड़ा सबसे कठिन होता है कि इंजुरी के बाद अरे यार इंजुरी हो गई कितना, क्योंकि बॉक्सिंग में क्या है अगर थोड़ा आप रेस्ट हो गए तो आपका एक तो वेट मेंटेन करना रहता है, वेट मेंटेन अगर इंजुरी के बाद अगर वेट भी मेंटेन नहीं कर पाओगे फिर खाने का भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो उस टाइम पर अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो और उसमें फिर मोटिवेट भी होना चाहिए साथ में कि अगर फिर अगर ऐसे हो कि अरे यार इंजुरी हो गई फिर आगे क्या होगा कैसे कर पाऊँगा, ये वो बहुत ही नेगेटिव आती है, उस टाइम पे पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है कि उसके जैसे फिर कोचेस और जो भी हमारे वो है वो लोग सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे भी। अपने आप को जब आप फ्री रहते हैं तो एंटरटेन किस तरीके से करते हैं, क्या मूवीज देखते हैं या कुछ किताबें पढ़ते हैं या गाने सुनते हैं? मैं मूवीज और गेम खेलता हूँ, मैं जैसे पजल वगैरह खेलता हूँ। किस तरीके की पिक्चर्स पसंद है? एक्शन मूवी देखता हूँ ज्यादा। फेवरेट एक्टर आपका? एक्टर तो कोई ऐसे फेवरेट है नहीं है। अच्छा जी, लेकिन कोई ऐसी मूवी जो एक्शन मूवी जो आपको काफी रिलेट कर सकते हो? मुझे प्रभास और चरण के बहुत अच्छे लगते हैं मूवीज जी। इस साल 2023 और अगला साल पेरिस ओलंपिक्स का साल है, उसके लिए तैयारियां क्या क्या है, माइंड में अपने टारगेट क्या क्या आपने सेट किया है? टारगेट अभी तो जैसे पहले अभी नेशनल चैंपियन बनना है, फिर उसके बाद फिर वहीं से फिर स्टार्ट होगी जर्नी कि फिर उसके बाद जो भी कंपटीशन होंगे उसके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे और प्रिपेयर करूंगा उसके लिए। आखिरी क्वेश्चन, युवा अगर आपके पास जब आते हैं मिलते हैं एक चैंपियन बॉक्सर से मिलते हैं तो आपको की उनको सलाह क्या होती है? मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, और मैं तो अपने आप को उतना बड़ा समझता नहीं कि फिर भी मैंने अपनी तरफ से सलाह देता हूँ कि मेहनत करो आप लोग, जितना मेहनत करोगे साथ में, मेहनत ही साथ में है, और जितना आप करते जाओगे मतलब अपने गेम से जुड़े रहोगे इतना, और जितना पसंद करोगे उसको दिल से लगा के करोगे उतना आप आगे जाओगे जी। धन्यवाद इस नेशनल में, और मैं तो JSW का भी थैंक यू कहना चाहूँगा, JSW जो बहुत सपोर्ट करता है हमें, जैसे इस नेशनल में भी हमें बहुत सपोर्ट किया है और आगे में भी जैसे मेरी इंजरी के टाइम पर भी बहुत सपोर्ट किया था।